नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता और आज मेरा साथ वकील प्रशांत भूषण। कुछ दिन पहले सबसे उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ, इसमें जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, न्यायाधीश बी आर गवाई और कृष्ण मुरारी जी, इन तीनों कहा कि वकील प्रशांत भूषण अदालत की अवमानना किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उनको दोषा सिद्ध दिया। ही वॉज कन्विक्टेड और कहा आप माफी मांगिए, आप बिना शर्त माफी मांगिए, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। मगर प्रशांत जी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर इसको ऊपर सजा मिला, उसका जुर्माना मिला, 1 रुपया का जुर्माना मिला। प्रशांत जी अभी कुछ दिन बीत गया, आप कैसे देख रहे हैं ये पूरा जो घटना हुई है, आपके ऊपर ये जुर्माना 1 रुपया का लगा और ये सारी जो घटना हुई है, हमारे देश के आम व्यक्ति को आप समझा दीजिए, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता जो हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सबसे उच्च न्यायालय का राय है, इसके साथ आप अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता कैसे जोड़ सकते हैं? किसी भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए दी गई है जिससे कि वो अपनी राय, जो देश में हो रहा है, संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, उनके बारे में रख सके। और न्यायपालिका एक बहुत अहम संस्था है जिसका काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या सही क्या गलत हो रहा है, इसके ऊपर अपनी राय रखना लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और अगर इस अधिकार को निभाते हुए मैंने कुछ टिप्पणी करी कि सुप्रीम कोर्ट में हाल में कुछ गलत हो रहा है और संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा नहीं करी जा रही, तो उस पर अवमानना का केस चलाना और मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करना या मुझसे माफी मंगवाना, ये किसी भी संस्थान को, कोर्ट को शोभा नहीं देता। और इस वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड हुआ हमारी न्यायिक इतिहास में। लेकिन उसका एक अच्छा फॉलआउट ये हुआ कि इस कंटेम्प्ट की वजह से बहुत सारा अटेंशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 साल में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करी कि नहीं करी, इस पर आकर फोकस हुआ, इसकी काफी चर्चा होने लगी। और दूसरा, लोगों को ये लगा कि ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का एक इशू है और इसकी वजह से जो कोर्ट शायद चाहता था कि मेरा मुंह बंद कर दे या मेरे जैसे लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए जिससे कि कोर्ट के ऊपर टिप्पणी ना करी जाए, उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हुआ कि और लोग भी इसमें उतर आए और लोग कहने लगे कि मैं भी वही बोलूंगा जो इन्होंने बोला, और सख्त टिप्पणियां वगैरह भी होने लगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इससे इसका एक अनफॉर्चुनेट फॉलोआउट भी हुआ कि कोर्ट की गरिमा और गिरी और उससे कोर्ट थोड़ा सा कमजोर हुआ। जब ऐसा होता है तो कोर्ट थोड़ा कमजोर होता है और जाहिर है कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बहुत एक अहम स्तंभ है और उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको मजबूत रहना चाहिए। लेकिन मजबूत रहने का ये मतलब नहीं है कि अगर वो अपना काम ना करे तो उस पर कोई टिप्पणी ना करी जाए उसको सुधारने के लिए। तो प्रशांत जी, जो आपने तो ट्वीट किया, एक तो हमारे सबसे उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत वर्ष के सबसे बड़ा न्यायाधीश, वो मोटरसाइकिल में बैठे थे, तो आपने टिप्पणी किया कि उन्होंने मास्क नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, मगर उस समय गाड़ी वैसे खड़ा था, और आपने कहा कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट एकदम बंद है बहुत लोगों के लिए। फिर उसके बाद एक और आपने ट्वीट किया कि पिछले जो 4 चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया,
उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया और कमजोर नहीं वो खतरे में डाला। तो ये लोग समझा और लोग सोचा कि ये कहीं व्यक्तिगत न्यायाधीश कोई जज के खिलाफ नहीं, आप पूरा जो संस्था है, पूरा जो सबसे ऊंचा न्यायालय है, जो अदालत है, इनकी अवमानना आपने किया। यू हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नॉट इंडिविजुअल जज। इस विषय के ऊपर आप कहते हैं। देखिए, जब भी किसी भी संस्था के फंक्शनिंग के ऊपर टिप्पणी करी जाती है, अगर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो उनका दायित्व है या जो उनका रोल है संविधान के अंदर नहीं निभा रहा, तो ऑब्वियसली किसी भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की ये आजादी है कि वो ये बात कह सके, तभी तो कोई सुधार हो पाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि, देखिए, हम लोग तो ये कहते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है तीन हिस्सों में बटा हुआ है। सिविल कंटेम्प्ट, जिसको कि कोर्ट के आदेश का पालन ना करना, उसके खिलाफ सजा देना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के भी दो भाग हैं, एक तो ये कि इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और इंटरफेरेंस विद कोर्ट प्रोसीडिंग्स, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने ना दें, आप किसी जज को धमकी दें कि तुम अगर ऐसा फैसला करोगे तो हम ये कर देंगे, वगैरह वगैरह, वो एक अलग इशू होता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो तीसरा है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है और इसमें कई बार कोर्ट ये कह देता है कि आपने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, कोर्ट की गरिमा को नीचे किया, इसलिए ये कंटेम्प्ट है। आपने किसी जज को क्रिटिसाइज किया, उसकी गरिमा नीचे कर दी, इसलिए ये कंटेम्प्ट है। और इसी वजह से ज्यादातर जितने सभ्य देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे देशों में ये खत्म कर दिया गया है। हिंदुस्तान में इसको चलाया जा रहा है और कई बार इसका इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाता है, मतलब अगर वो न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोलते हैं। और ये तो पूरी आजादी होनी चाहिए, और ये एक ऐसा जुरिस्डिक्शन है जिसमें कि जज अक्यूजर भी है, प्रोसिक्यूटर भी है और जज भी है। आप बहुत खतरनाक, एक तरह से उन्होंने सुओ मोटो ये अपने आप ये कार्रवाई शुरू किया। और आप जैसे देखा कि देश के सबसे उच्च जो लॉ ऑफिसर है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, के वेणुगोपाल जी, उन्होंने भी कहा, अदालत को कहा कि आप सजा मत दीजिए इनको, आप जुर्माना मत दीजिए, आप इनको कहीं ऐसा मत कीजिए, लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, इस तरह से बात किया। मगर ये जस्टिस अरुण मिश्रा जी और उनका जो खंडपीठ, ये माना नहीं। तो मतलब द कोर्ट डिड नॉट इवन हीड द सजेशन ऑफ द सीनियर मोस्ट, टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर, जो हमारे देश के सबसे उच्च जो लॉ ऑफिसर है। इस विषय के ऊपर आप कुछ कहने चाहेंगे? एक तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ अटर्नी जनरल के प्रति, क्योंकि उन्होंने अटर्नी जनरल की तरह बिहेव किया। वो एक संवैधानिक पद ऑक्यूपाई करते हैं और सिर्फ सरकारी वकील नहीं है, उन्होंने अपनी स्वतंत्र बात बोली न्यायपालिका से। देखिए, न्यायपालिका के तो फैसले में बहुत सारी चीजें हैं जिससे मुझे आपत्ति है। बहुत एक कठोर फैसला है, चाहे वो फाइनल जो पनिशमेंट दिया है वो 1 रुपया है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मेरे खिलाफ बोली गई हैं जिसको हम लोग चैलेंज करेंगे, सिर्फ रिव्यू में ही नहीं, रिट पिटिशन फाइल करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी क्रिमिनल कन्विक्शन के खिलाफ एक अपील होना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये एक ओरिजिनल कन्विक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है, सिर्फ रिव्यू होती है, वो भी उन्हीं जजेस के सामने, सिर्फ चेंबर में जाती है, उसकी कोर्ट में भी कोई हियरिंग नहीं होती, और उन्हीं जजेस के सामने तो कोई अपील का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक रिट भी फाइल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स में एक ऐसा प्रोसीजर डिवाइस करे जिससे कि इसके खिलाफ अपील हो सके एक लार्जर बेंच को, या फिर रिव्यू ही दूसरे जजेस के सामने जाए और कोर्ट में सुना जाए। वैसे भी तो जस्टिस अरुण मिश्रा का टर्म तो खत्म हो गई, तो अगर एक बेंच कैसे रिव्यू कर सकते हैं, तो
उनका ही हैज रिटायर्ड। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है, जो अधिनियम है, इसमें बदलाव लाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। और आपका जो एक और केस था वो लगभग 8 साल से चल रहा है, वो तहलका में आपका आपने जो इंटरव्यू दिया था, तो उसके केस अभी 8 साल के बाद दोबारा आ गया, वो केस का अभी तक कहां तक पहुंचा वो? वो तो अब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं जो कि शायद एक संवैधानिक खंडपीठ 5 जजों के बेंच को रेफर करे जाएंगे। वो जब क्वेश्चंस ऑफ लॉ जब तय होंगे उसके बाद उसकी शायद सुनवाई हो। तो आपके लग रहे एक तरह से जब सुप्रीम कोर्ट हमारे सबसे उच्च न्यायालय एक तरह से कहा कि हाँ आपने अदालत का अवमानना किया, आपको एक दोषा सिद्धि है, यू आर अ कॉन्विक्ट, तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, कुछ ना कुछ आपको जुर्माना देना ही चाहिए था, और वो आपको एक तरह से टोकन 1 रुपया, और आपने उस दिन मैंने देखा आपका सूट पहन के राजीव धवन जी के साथ वो दिखाया 1 रुपया का कॉइन, तो एक तरह से ये जस्ट सिंबॉलिक पनिशमेंट दिखाने के लिए आपको सजा दे रहे हैं। अब पनिशमेंट तो एक तरह से सिंबॉलिक है, लेकिन जो जजमेंट है वो बहुत कठोर है, उसमें बहुत सारी चीजें मेरे खिलाफ बोली गई जिससे मुझे बहुत सख्त आपत्ति है, जो कि हम लोग रिव्यू और रिट में उसको चैलेंज करेंगे। तो ये पूरा घटना के बाद आप क्या कह रहे थे, आपका शक्ति बढ़ गया? एक समय आपने कहा, गांधी जी को कहा कि गांधी जी भी कहा था कि जो भी मर्जी आप सजा दीजिए, तो आप क्या जेल जाने के लिए तैयार थे? और एक तरह से आप क्या क्या शिक्षा मिला आपको ये सारे घटना के बाद? What are the big lessons that you have learned? कि जेल जाने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि इसमें जो वर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसको देख के यू नीड टू बिकम कंफर्टेबल विद दैट। तो मैंने देख लिया था कि भाई क्या कर सकते हैं, 6 महीने के लिए जेल भेज सकते हैं, साल भर के लिए शायद कोर्ट से डिबार कर दें। फाइनली तो इन्होंने ये बोला कि अगर 1 रुपए की पेनल्टी नहीं देते तो फिर 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए कोर्ट से डिबार करने की बात। तो मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा भी होता है तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इतने सारे लोग जेल जाते हैं, मेरे बाबा दादी दोनों जेल गए थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, मेरे पिताजी भी जेल जा चुके हैं सिविल डिसोबीडियंस के लिए, इतने सारे भीमा कोरे गांव के इतने बढ़िया बढ़िया एक्टिविस्ट जेल में हैं, तो अगर हमको 6 महीने के लिए जेल भेज भी दिया तो क्या बड़ी बात है, मैं जेल में देखूंगा क्या होता है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के लोग हैं वहाँ, मैं वहाँ कुछ पढ़ूंगा, कुछ लिखूंगा, न्यायपालिका के बारे में किताब लिख दूंगा, और अगर कोर्ट से भी बाहर कर दिया तो मैं हाई कोर्ट्स में कुछ अहम मुद्दे बहस करूंगा और साथ में ट्रैवल करूंगा, अलग अलग जगह जाकर बोलूंगा, शायद कुछ किताब वगैरह लिख दूंगा उस समय में। तो इसलिए उससे मुझे कोई इतना ज्यादा डर नहीं था कि अगर जेल भेज भी देते हैं तो ठीक है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो दुख की बात है कि हम सोच रहे थे कि आपका एक नया किताब आएंगे, हम सोच रहे थे शायद मैं आपको कहूंगा कि मैं प्रकाशन करने के लिए तैयार हूँ, मगर शायद पता नहीं कब आपका वो किताब आएंगे। प्रशांत जी धन्यवाद, आपने न्यूज़क्लिक के दर्शक को आपका समय दिया, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग सब देखते रहिए न्यूज़क्लिक।